चुंगीनाका मदार स्थित जैन मंदिर के सामने अजयमेरू जनसेवा समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम टिलवानी के नेतृत्व में नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए निर्माणाधीन ओवरब्रिज के दोनों ओर राधाकृष्ण मंदिर से नेहरू नगर तक गत 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त कराने, राधाकृष्ण मंदिर के आगे सीवरेज लीकेज को ठीक कराने, विद्युत कॉलोनी से इग्मेज आईटीआई तक रोड लाइट लगवाने, सार्वजनिक शौचालय व कच्चे नाले को पक्का बनवाने की मांग की गई। क्षेत्रवासियों ने एडीए निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रखा। समिति के महासचिव आनंदी प्रसाद डाबी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 15 दिनों में यदि मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्रवासी शशि चौबे, मीना भाटिया, रेखा गुप्ता, एसएस शर्मा, राजू पवार, शरद शर्मा, गोविंद माथुर सहित भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। 3 साल से ये ओवरब्रिज बन रहा है और इस ओवरब्रिज के कारण से रोड जो है बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त हो रखा है। अभी नवंबर के अंदर ये पुल का जो है लिखा हुआ आया है कि नवंबर के अंदर जाके ये पुल कंप्लीट होगा। 1 साल तक हमें और इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, रास्ते के लिए, इस उबड़ खाबड़ रास्ते के लिए, गंदगी के लिए। ये नाला यहाँ पर जो है लीकेज हो रहा है, इसमें कल बुजुर्ग आदमी जो है स्कूटर सहित गिर गया है इसके अंदर, नाले के अंदर। यहाँ पर जो है सीवरेज लीकेज हो रही है, सीवरेज लीकेज होने के कारण से इतनी गंदगी और बदबू फैल रही है। इसके लिए हमने एडीए प्रशासन को, निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को कई बार लिखित में दे चुके हैं, कई बार हम आग्रह कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड की कोई सुध लेने वाला नहीं है, इस रोड के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस तरह की दिक्कतें आ रही है, कहां से 3 साल से मतलब ये ब्रिज बन रहा है ओवर ब्रिज, लेकिन इस ब्रिज के कारण ना तो इसका कंप्लीट होने का है और न्यूज में आ रहा है कि अभी भी 1 साल और लगेगा इसको कंप्लीट होने में। जब तक यहाँ नाला है, रोड है, इतने टूट रहे हैं कि लोगों को निकलने करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और यहाँ से आगे चुंगी से लगा के आगे पावर हाउस तक बिल्कुल एक रोड लाइट नहीं है और बिल्कुल सारा अंधेरा रहता है रोड पे, जिससे भी और सीवरेज लाइन लीकेज हो रही है और सीवरेज लाइन भी पूरी नहीं हो रही है और जितने भी जो कर्मचारी आते हैं वो कार्य करते हैं वो अधूरा करते हैं और अधूरा करके रवाना हो जाते हैं। लवकुश उद्यान के नाले के पास बरसों से बना हुआ आम रास्ता अतिक्रमी दिनेश राठौड़ ने बंद कर दिया, जिससे यहां रहने वाले लोगों का रास्ता बंद हो गया और पानी की निकासी भी अवरुद्ध हो गई। मंगलवार को वार्ड पार्षद धर्मपाल जाटव और पार्षद कुंदन वैष्णव के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने आम रास्ते पर कब्जा करने वाले अतिक्रमी दिनेश राठौड़ के खिलाफ लामबंद होकर गंज थाना पुलिस को शिकायत दी। क्षेत्रवासियों ने आम रास्ता नहीं खुलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। वो कोई आम रास्ता है जिसपे वो अतिक्रमण कर रहे हैं और अभी जाके अगर वहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा तो एंड टू एंड उसको तोड़वाएंगे। जो भी बाउंड्री है या जो भी अनियमितता वो फैला रहे हैं या जो भी कब्जा कर रहे हैं, उस कब्जे को अभी हैंड टू एंड धराशाई करेंगे और आमजन का पूरा सहयोग है इसमें। नागफनी कच्ची बस्ती के बाशिंदे पिछले 2 सालों से गंदा पेयजल पीने को मजबूर है। दरअसल इस क्षेत्र में घरों को जा रही पानी की पाइपलाइन नालों से होकर गुजर रही है। ज्यादा पुरानी होने की वजह से जीर्ण शीर्ण पाइपलाइन में नाले का गंदा पानी भी मिक्स होकर घरों को पहुंच रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि 2 साल में अनेक बार जलदाय विभाग को लाइन बदलने के लिए अर्जी दी गई, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारियों के कानों पर आज तक जू नहीं रहेगी। मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने वार्ड नंबर 5 के पार्षद कुंदन वैष्णव के साथ फवारा सर्किल जलदाय कार्यालय पहुंचकर जलदाय अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। पार्षद कुंदन वैष्णव ने बताया कि यदि सरकारी विभागों में बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा और मन से काम करने लग जाएं, तो लोगों की समस्या चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी और क्षेत्रीय समस्याओं का कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन विडंबना, लोग काम करना नहीं चाहते, लिहाजा धीरे धीरे समस्याओं का अंबार लग जाता है। आमजन जो वार्ड नंबर 5 की कृष्णा कॉलोनी है, वहां के सब मोहल्लेवासी यहाँ पे आए हुए हैं। कारण यह है कि एक छोटा नाला है, उसके नाले के अंदर से एक पाइपलाइन आ रखी है। उस पाइपलाइन के फूटने के चक्कर में वो सारा गंदा पानी नलों में जा रहा है और लगभग विगत 2 वर्षों से जलदाय विभाग वालों को यहाँ की आमजन जो है वो एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, अर्जियों पे अर्जियों दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हम शिकायत देना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे न तो अयन साहब है न जयन साहब है, और आए थे तो जयन साहब थे लेकिन वो यहाँ से चले गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि छोटी छोटी समस्या है, अगर सरकारी कर्मचारी ईमानदारी और लगन से अगर ये कार्य करे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 महीने 2 महीने के अंदर कच्ची बस्ती जो नागफनी है उसकी पाइपलाइन की सारी समस्या मिटा सकते हैं। 2 सालों से हमारी समस्या है, हम 2 सालों से यहाँ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते आ रहे हैं। ये हमारे को विश्वास दे दे के और कहते हैं करा देंगे कराने, एक दिन भी कोई नहीं आता है और सब
निकाल के उस नाले में से बाहर करी जाए और सारी समस्याएं हमारी सुनी जाए। सबके घरों में गंदे पानी से सब बीमार पड़ रहे हैं। आके मोहल्ले की इंक्वायरी की जाए और तहकीकात की जाए कितने बीमार पड़े हैं इस पानी से। हमारी समस्या जल्दी से जल्दी सॉल्व करें।